Flower. Mau bi dalam mana pelan kerik dah. Hi my beautiful viewers, hello everyone, welcome back to my channel. You are watching our Sizzle Vlog recipes and here I am Asha. तो यहाँ पे चल रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे चल रहा है लंच बनाने का काम. तो मैंने फिडल हेड जो सख्त वाला स्टेम है उसके साथ बनाए हैं मसूर दाल सॉस और साथ में पोटैटो एंड फिडल हेड फ्राई और साथ में अंडा बॉल और कुछ कुछ चीज़ें जो है वो बनाई हूँ. एंड मिल्क भी गर्म कर चुकी हूँ और अभी यहाँ पे जो है पहले जो मेरे छोटे छोटे बच्चे थे ये उन बच्चों का घर था यहाँ पे. तो मैं जब लास्ट ईयर आसाम गई थी तब कोरोना की वजह से आ नहीं पाई घर, जल्दी जल्दी नहीं आ पाई तो कुछ मंथ तक वहाँ रुकना पड़ा. तो सारे जो मेरे बच्चे हैं, दुख की बात ये है कि सारे बच्चे मर गए. तो फिर मैंने उसके बाद से ना ऐसे प्लान फिर से घर में लाने की, यानी कि मेरे बच्चों को फिर से घर में लाने की मैंने सोचा भी नहीं है. तो फिर अचानक से ख्याल आया कि उन्हें फिर से दोबारा से घर में लाया जाए नए बच्चों को. तो पुराने जो बच्चों का घर है सब मैंने धो धा के साफ सफाई कर लिया है. तो अभी शाम को मैं दीबा के साथ निकली हूँ थोड़ा वर्क के लिए और वर्क करते 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 यहाँ पे कुछ और मुझे घर खरीदने हैं. तो घर पूरा खरीद लिया जाएगा उसके बाद फिर मैं बच्चों को घर लाऊंगी ऐसा सोचा है. तो फिर रास्ते में एक पौधा मिला तो उसका जो है मैं दाल जो है ना उस पौधा का दाल मैं तोड़ के ले आई क्योंकि वो घर में जाके लगाऊंगी मैं. तो फिर देखिए यहाँ पे आ गई है हम लोग प्लांट शॉप पे. तो यहाँ पे ढेर सारे हैं लेकिन अभी नहीं ले जाऊंगी उन सबको. फिर मैं अभी जस्ट देख के जाऊंगी और फिर बाद में आके ले जाऊंगी. और वही दीबा के साथ यही देखना हो रहा है यहाँ पे और कई सारे है ना चीज, मतलब ये बच्चे कितने प्यारे प्यारे हैं. आप ना प्लांट भी घर में रखते हो, मतलब इंडोर प्लांट्स में खास करके घर में रखते हो ना, तो आप उसका जो केयर वगैरह करते हो रोज सुबह देखते हो तो फिर ऐसा हो जाता है ना एक मतलब प्यारा सा लगने लग जाता है. फिर वो चीज़ अगर मर जाए तो बहुत ही दुख होता है. तो इस वजह से ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं रख पाऊंगी, कभी इधर जाना होता है कभी उधर जाना होता है, इसलिए मैं घर में नहीं लाना चाह रही थी. लेकिन अभी अचानक से फिर से मन में ये ख्याल आया, मतलब मन हुआ बहुत ही ज़्यादा, इच्छा बहुत ही ज़्यादा आई कि लाओ घर में. तो इस वजह से ये सब चल रहा है. लेकिन कब लाना होगा बच्चों को घर वो मैं अभी बता नहीं सकती हूँ. तो देखते रहिए मेरी नेक्स्ट ब्लॉग.